खरगुन दीदी। हाँ। थम ये प्याज काट दो तो थानिक पते की बात बताऊं मैं। ओके मनी। मन्यू कह रही थी मर्द लोगों का सने कोई भरोसा नहीं होता। ओ क्यों? काल से ना एक निम्मू नाम की छोरी की चिट्ठी आई थी। ताकी हो गया मनी, चिट्ठी तासी। और उस मन्यू लिखा था कि अपनी घरवाली ने मार के मेरे गला ब्याह करवा ले। अब थारा घर में मर्द सी तीन और उस चिट्ठी की बात सीमत तो न्यू लग गया। अक मनप्रीत साहब की सवा चिट्ठी। साची कहूं सुजी जी, बिट्टू जी ने बाता बाता में थन मारन की बात करी ना तो समझ जाइयो मामले में कुछ गड़बड़ से। इब मेरा तो देखो भगवान के दरबार में आके झूठ बोलन का जी ना करया, ठीक से, पर थारे आदमी और लुगाई के बीच की बात से मन ने के लेना देना। सही कह रही सुना जीजी, भोलेनाथ की कसम झूठ ना कहती। थम जस्सी साहब को ना अपनी कसम दे के देखियो, अगर कसम खान से मना कर दिया तो समझो दाल में कुछ काला से। जे ते बिट्टू दा काम होया ना मेरे को नहीं बचदाओ। समझ रही सुना दीदी। की गल, सरकारां तां अज टाइम नाल ही सुत्तियां पईआं। की होया? सच्ची सच्ची दसो, ओ लव लैटर थोड़े लई तां नहीं आया सी? हरगुण, तैनूं मेरे ते भरोसा नहीं? भरोसा तां हैगा, पर मेरे दिमाग च हुण शक दा कीड़ा वड़ गया। अच्छा, हुण अपने घर वाले तों वध तैनूं कीड़े ते यकीन है, हैं? गल और नहीं है जस्सी, मैंने थोड़े ते ओना ही भरोसा जिन्ना पंजाबियों नू कोविड वैक्सीन ते है। हरगुण, आपां नू कोई वख नहीं कर सकदा, बस ए वायरस अपने दिमाग चों तू कढ दे। जे एही गल है ते खाओ मेरी सूं। एक ना गल गल ते तेरी सौं खवाउण वाली आदत बहुत माड़ी है, मैं अपने आप नू सच्चा साबित करन लई सौं नहीं खाण वाला। इसदा मतलब दाल च जरूर कुछ काला है, नहीं ते तुसी मेरी सौं खा लैंदे। अच्छा, हुण तैनू मेरी जबान नालों ज्यादा सौं ते यकीन हो गया है? ज्यादा गल्लां ना बनाओ, या तो मेरी सौं खाओ नहीं तो मैं चली पेक के। की? यार सिम्मी, तू मैनू हर गलती करे जांदी धमकी क्यों दिनी है? मैं तेनू कहा है ना, मैं किसे निम्मो नू नहीं जानता। निम्मो नू जानना तो बहुत दूर दी गल है, मैं तो कदे निम्मो दा नाम भी नहीं सुनिया। मनु, तुसी झूठ कह रहे हो, मैनू पता है किन्ने शरीफ हो तुसी। सिम्मी डार्लिंग, तेनू पता तो है इस राजे दी सिर्फ इक्को राणी है। है? हुणे राणी कौन है? पागला, राणी तू है मेरी, होर कौन है? मैनू ना अपनी गल्ला विच लाके कंफ्यूज ना करो। एक दिन है तुहाडे कोल, सिर्फ एक दिन सारा कुछ प्रूफ करन ली, नहीं तो मैं पेके चली। यार तू जिथे जाना जा, पर मैं किसे निम्मो नू नहीं जानदा। तुसी ता यही चाहंदे हो ना पेके चल जा ताकि उस निम्मो नाल मजा लुट सको तुसी। यार केड़ी निम्मो, मैं किसे निम्मो नू नहीं जानदा। पर फिर भी जे तू पेके जाना है ना ता जा, पर मैं किसे निम्मो नू नहीं जानदा। मैं सोच लिया, मनु मैं पेके नहीं जाना। शुक्र है रब दा, हाय रब्बा तेनू समझ ता आया भी तू पेके नहीं जाना। मैं तुहानू डायरेक्ट डाइवोर्स दवांगी। की? डाइवोर्स? सिमिनो, सिमिनो। कल डाइवोर्स ही नहीं, तुहाडे उते कंपनसेशन दा केस भी करांगी। केस? सिमी डार्लिंग। हां जी, सिर्फ इक्को एक दिन है तुहाडे कोल सारा कुछ सही दसन वास्ते, नहीं ता हर जाना परन ली तैयार रहो। नो सिमी, प्लीज। हां मैं तैयार हां अपने आप नू सही साबित कर लई, भावें इहदे लई मैनू कुछ भी करना पवे। पहला मैनू आ दसो, मैनू मारन दी प्लानिंग कदों दी चलदी पई सी? मैं तैनू क्यों मारूंगा? क्योंकि थानू पता है मैं थानू डिवोर्स तां देना नहीं, मैनू मार के निम्मू कोल जाना चाहुंदे हो ना? बिट्टू मैनू सब पता है। सिमरन, तेरा दिमाग खराब होया? ओ यार मैं किसे निम्मू नू नहीं जानदा, मैनू तेरे सिर दी सौं लगे। मेरी झूठी सौं खा के मैनू मारना चाहुंदे हो? ठीक है, जे मैं झूठ बोल रहा तो तू मरेगी, तो जे मैं सच बोल रहा तो तेनू कुछ नहीं होया ना। आ देख ला, चंगी भली खड़ी है। मेरे मरण नाल थोड़ा की बिगड़ूगा? बस बिट्टू, मैं थानू एक दिन दिनी हाँ, जे तुसी मैनू निम्मो बारे ना दस्या ता नहीं ता मैं थोड़ी जान ले लूंगी।
ओए मन्ना तू मेरा मकान मालक है पर मैनू नहीं पता सी निम्मो तू सट कर रखी है। की बोली जाना यार तैनूं तां कुछ पता ही नहीं हुंदा। ओए तेरी तां नहीं हैगी कितें सैटिंग निम्मो नाल। ओ मैनू इह पुआड़ा तेरा पाया लगदा। दफा होए तुसीं दोहे मेरे ते चढ़ी जांदे हो। आपदा सांभ लो जे सांभदा कुछ नहीं घर वाली ने इत्थों धक्के मार देने। ओ तू चल जा इत्थे पहले ही बहुत टेंशन है। हेलो बल्लू। हाँ मन्नी। ते तो एक नंबर का काम कर दिया। उस निम्मो की चिट्ठी से सारे घर में तूफान आ गया। हाँ हाँ सच्ची कूसू। चिट्ठी का नाम सुनते ही सारे साहब आगे होश उड़ गए थे। हाँ सच्ची मन्ने तो इन तीनों साहबा की डाडी में तिनका लाग रहा से। सच्ची बता रही सू। अच्छा ठीक से बल्लू बाद में बात करू सू। ओ मेरी गलता सुन। आज जनानी था ना कदे मेरी पूरी गल भी नहीं सुन दी। दुखी किता पे ने। मेरे घर वाले से बात कर रही थी मैडम। थारी तारीफ कर रही थी सारा की। मनी तेनू कदे तेरे घर वाले ते शक नहीं होया? ना अगर जिस दिन ऐसा हो गया ना मैं तो उसकी जान ले लूंगी। वैसे थाने के लागे से मैडम। की लागे मतलब? रमन निम्मो की चिट्ठी की बात कर रही मैडम। थारे तीनवा के घर वाले में से किसका उसके से? मैनू दूजे का नहीं पता बट मेरा मनु मैनू कदे भी चीट नहीं कर सकता। मेरा बिट्टू नीरी गां है ते ओ मैनू कदे भी धोखा नहीं दे सकता। कदे भी नहीं। तो मेरा जसी तो हीरा है। मैडम छोटा मुंह बड़ी बात पर तन तीनों ने अपने घराना पे घना भरोसा से। ये सारे मर्द एक जैसे हुए से। घर में चयोडी खड़ी रहेगी पर बाहर जाके ऑटो में ही बैठेंगे। क्यों ऑटो ते बैठना कोई माड़ी गल है? ओहो मैडम मैं तो बाहर आली लुगाई की बात कर रही थी। इन घर आला ने अपा घर आली घर की दाल लगा सा जिसते बोरो के इन्हने बाहर की बिरयानी में मुंह मारना जरूरी से। क्यों मनी तेरा घर वाला कली दाल ही खांदा है? ना मैं तो घर नहीं बिरयानी खवा दी सू। मनी तू अपने घर वाले नु मुंह मारन ले औरता आप ले आके दिनी है घर। ओहो मैडम थम तो बुरा ही मान गए। मैं तो बस सलाह दे रही थी कि अपने अपने पतियां ने काबू में रखो। मेरा घरवाला पहले ही मेरे काबू च है। ते मेरा भी। ते मेरा भी। मेरा बिट्टू कदे भी ऐदा नहीं कर सकता। ले फिर अगर थाने थारे घराना पे इतना ही भरोसा से तो फिर इस थोबड़े पे 12 बजे आके क्यों बैठी सो? मैडम थाने थारे आदमी राम लग गए से ना तो जाके उनकी सेवा करो। इस निम्मो की चिट्ठी की क्यों टेंशन लेके बैठी सो? मैडम आपा सब भारतीय नारी आपा अपने पति पे शक करना ना भूले पर दूसरा से अपने पतियां की बुराई भी ना सुन सकती। क्यों मनी तेनू की लगता मैनू अपने मनु ते शक है? मैडम पूछ रहे सो अक बता रहे सो। खैर यो तो वक्त ही बतावेगा कि निम्मो किसकी सोतन से। थारी थारी अक मैडम थारी। खैर मन्ने के लेना देना। बिट्टू जी तुसी पापी जी मेरे तो ना थोड़ी ये हालत देखी नहीं जाती इसलिए बस थानू हौसला देन चला आया। मैं कुछ समझी नहीं बिट्टू जी। भाभी जी मनप्रीत चाल चलन तो मैं पहले दिन तो ही बुरे लगते सी। वो तो मेरी सिमरत ने मेरे सामने ट्राइया मार दे। आ की कह रहे हो तुसी? भाभी जी मैं खुद गवाह हां मैं अपनी इन्हां अखां नाल देखे है। नहीं नहीं बिट्टू जी ऐदा दी कोई गल नहीं है। मनु जी सिर्फ थोड़े जे ओपन माइंडेड ने तुहानू कोई गलत फहमी हुई है। वो गलत मैं नहीं कह रहा वो पंते ही गलत है। ये गलत तुसी समझो। भाभी जी गलत मैं नहीं गलत तुहाडी सोच है। बिट्टू नू लैके वो बाहरों जिन्ना सीधा दिखता है ना अंदरों उन्ना ही टेढ़ा है। मैं बड़े बार रंगी हत्थी फड़िया उन्हूं। किदे नाल? दसन वाली गल तो है नहीं भाभी जी बट हरगुण जी दे नाल। बिट्टू दा चक्कर हरगुण दे नाल चलदा पिया? चक्कर दा तां पता नहीं भाभी जी बट बिट्टू हरगुण जी ते लाइना जरूर मारदा है। की? मैनूं इस गल ते शक नहीं पूरा यकीन है वी निम्मो वाला खाता बिट्टू दे नाम दा ही है। जे गल सच निकली ना तां बिट्टू दा खाता मैनूं परमानेंट बंद करना पऊगा। इस तों पहलां कि ओह थोनूं मार के निम्मो कोल चल जे तुसीं उहनूं तलाक दे दो। की? भाभी जी जे थोनूं कुछ हो गया तां साडा की बनूगा? भाभी जी
खाता परमानेंट बंद करन नाल कुछ नहीं होना, हुण तुहाडे कोल सिर्फ इको एक राह है, तलाक। पर तुसी टेंशन ना लो भाभी जी, मैं ते हैगा ना। मेरे रूम वाल की करदा ओए? ये सवाल तेनू मैं भी कर सकदा, तू मेरे रूम च की करदा सी ओए? मैं जो भी करा पर तू मेरे नाल गलत किता। ओ गलत मैं नहीं, गलत तू कर रहे है। भाभी जी वर्गी सीधी साधी औरत नूं धोखा देण लगे, तेनू जमा शर्म नहीं आई? ओ तू मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे है? रब ने तेरे वर्गे लंगूर नूं इन्ना सोहना अंगूर दित्ता ते तू अंगूर छड्ड के निम खाण नूं फिरदा। निम? निम नहीं, निम्मो। मैं निम्मो दी गल कर रहा है। कदों तों चल रहा है सब कुछ? ओए मैं तेरे जिन्ना ठरकी नहीं हैगा। तू मेनू ठरकी क्या है? ठरकी नहीं कहा ता होर की कहा, निम्मो नाम दी डिश तू खादी है ते बिल सानू सारे नू भुगतने पैणे हुण। ओ मैं तेनू किन्ने वार कहा भाई, मैं किसे निम्मो फिम्मो टिम्मो नू नहीं जानदा। दस दो निम्मो कौन आवे ते आ लैटर किहदे नाम दा आया इत्थे? ओ मेनू कुछ नहीं पता, आ लैटर करके ना सिमरन मेनू जानो मार नू फिरदी है। ओ मेरे लई ता मेनू तलाक देण नू फिरदी है। मेरी गल सुन लो ओए, मेनू थोड़े दोनों दा ता नहीं पता, आ लैटर दी वजह नाल ना हरगुण ने मेरे ते पहली वारी शक कीता। इस लैटर दी ता मैं साहब जी था मडल लड़े जा रहे हो, बितर निम्मो पूछ गई की? हाँ बितर तो भूचाल माच गया, चलो जल्दी चलो। चल तुसी निम्मो? हाँ मैं निम्मो। की तुसी मैनू जान दियो कि मेरा थोड़े नाल फेर चल रहा? ओ तू हसी क्यों जानी है, सिमरन नू सीधा दस कि अपना कोई रिश्ता नहीं हैगा। ओ होर ता होर इत्थे ता गल तलाक तक पहुंची पई है। तलाक नू मार गोली, इत्थे गल जान ते पहुंची पई है। देखो निम्मो जी जो भी सच्चाई है दसो, आखिर ओ लेटर कीदे नाते सी? हां जल्दी दस, छेती दस तेरा इन तीनों विचों किदे नाल अफेयर चलदा पया? मैं क्यों दसा, ओ आप दसेगा। देख तू साडा सबर ना परख, जल्दी दस। ओ आप दसेगा, एक मर्द होके ओ नहीं दस सकदा, ओ अपने प्यार दा इज़हार खुद करेगा। बिट्टू तेरा भांडा फुट गया, छेती छेती दस कदों तो चल रहा सब कुछ? जिहो जे आले ओहो जे कुजे, ओ मैं किसे निम्मो नूं जानदा, तू ता है ही ठरकी। ओए थोड़े दोनों दे चक्करां दे विच मैं एवें पिसी जाना। जस्सी देख मैं लास्ट वार पुछ रही हां, सच्ची सच्ची दस दे। हरगुण मैं भी तेनू लास्ट टाइम दस रहा, मैनूं नहीं पता। मैं भी नहीं जानदा, मैं भी नहीं जानदा। साहब जी इब तो थारा भांडा फूट चुकिया से, इब सच छुपाण का कोई फायदा कोनी। अब सच्ची सच्ची बता दियो, या कमिटी तन तीनों ने मिलके ही बैठाई थी ना? दसो निम्मो की दा सेटअप है? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਿੰਮੋ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਓ ਰਾਜੂ ਤੂੰ ਆ ਲੈਟਰ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ? ਓ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਟਰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪੋਸਟ ਕਰਤਾ? ਫਿਰ ਆ ਲੈਟਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਲੈਟਰ? ਓ ਆ ਲੈਟਰ। ਓ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਓਏ ਉੱਲੂ ਦਿਆ ਪੱਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਦੂਸਰਾ ਲੈਟਰ ਪੋਸਟ ਕਰਿਆ ਆ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਲੈਟਰ? ਓ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਪੋਸਟ। ਓਏ ਪਤੰਦਰਾ ਉਸ ਲੈਟਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀ। ਹਾਏ ਓਏ। ਓ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕੀ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਮੱਝ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਓ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। ਚੱਡੇ ਨਿੰਮੋ ਤੇਰਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ? ਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿੰਮੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸਵੀਟੀ ਹੈ। ਸਵੀਟੀ? ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਗੇਮ ਖੇਡੀ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਰ ਨਿੰਮੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਸਵੀਟੀ ਨੂੰ ਨਿੰਮੋ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਭੇਜਿਆ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ। ਓਏ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਚੜਿਆ ਤੇਰੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਚੱਡੀ ਫਟ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਚੱਡਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਹਰਗੁਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਤੰਦਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਹ ਪਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਫੇਅਰ ਇਸ ਨਿੰਮੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਭੋਲੇ ਨੇ
ਤੇ ਉਹ ਨਿੰਮੋ ਨਾਮ ਦਾ ਲੈਟਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈ? ਲਿਓ 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 ਦੇਖੋ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਭਚਾਲ ਪਾਤੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਲਈ? ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਕਿੰਨੇ? ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਂਸ ਮੈਰਿਡ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਸੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਭੁਚਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਲੈਟਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਤੰਦਰ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਲੈਟਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਸਟ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਾਲਾ ਅੱਖਰ ਮਹਿਸ ਬਰੋਬਰ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ। ਚੱਡਿਆ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸੁਣਦੀ ਨੀ ਕਦੇ। ਲੈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਕਾ ਗੁੜ ਗੋਬਰ, ਤੈਨੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਤਾਉਂਗੀ, ਡਟ ਜਾ ਤੂੰ। ਓ ਮੰਨੀ, ਹੈਲੋ ਮੰਨੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਣ ਪਰ ਤੋ ਫਿਰ ਤੁਮ ਬਮੀ ਗਿਰਾਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਮਾ ਸੀ ਅਣ ਕੋ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ।